सभी को नमस्कार जुले। तो आज मेरे साथ हमारा जाना माना एक शख्सियत है हिंदुस्तान की, फॉर्मर एमपी राज्यसभा फ्रॉम उत्तराखंड और साथ ही साथ में फॉर्मर चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर मॉन्यूमेंट और प्रेजेंटली हमारा तरुण विजय जी, तो चेयरमैन उत्तराखंड वॉर मेमोरियल से है और जाना माना एक जर्नलिस्ट हमारे बीच में है। तो मैं खुसूसन ये कहना चाहता था कि अपने लोगों की ओर से, संस्कार के निवासियों की ओर से तरुण विजय जी को, इनका जो संस्कार के प्रति जो जितना भी सहयोग आज तक रहा है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, हमारा जो इशू संस्कार का पार्लियामेंट में हाईलाइट करने में इनका बहुत योगदान रहा है और इनके साथ हमारा एक स्टोरी बिल्डअप हुआ संस्कार के जो स्ट्रगल का, तो वो मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इनको एक खिताब के साथ संबोधित करना चाहूंगा अपने लोगों की ओर से, संस्कार के सभी निवासियों की ओर से। तरुण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है और आने वाले दिनों में भी हम यही उम्मीद करते हैं। तो स्टोरी ऐसे होता है, तरुण जी हमारा मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा था 2011 में, तो हम जांसकर के यमो पदुम दारचा के लिए काम कर रहे थे और मैं दिल्ली गया था इनसे मिलने के लिए और इनसे निवेदन किया था, क्योंकि तरुण जी एक जाना माना जर्नलिस्ट है, एक लेखक है, साथ ही साथ में मेंबर पार्लियामेंट है, तो हमने सोचा कि जांसकर के लिए इनका ब्लेसिंग जो है बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो मैंने इनको चादर ट्रेक करके जांसकर तक सर्दियों में जनवरी में विजिट करने का न्योता दिया था, रिक्वेस्ट किया था, तो तरुण जी ने उसको स्वीकार किया उस चैलेंजेस को, जबकि हम सबको पता है चादर में उस वक़्त बहुत बर्फबारी होता था। तो इन्होंने चादर ट्रैक ले आके, चादर ट्रैक स्टार्ट करके संस्कार तक पहुंचने का इन्होंने साहस दिखाया, लेकिन तबीयत खराब होने के वजह से टिप केफ यहाँ से 4 दिन चलने के बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा इनका तबीयत खराब हो गया था, तो उनको पूरा संस्कार तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन उन्होंने पूरा महसूस कर लिया कि संस्कार वाले किस हालात में अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से संस्कार का जो मुद्दा है उन्होंने अपने ओर से, हमने एक संस्कार रिपोर्ट तैयार किया था उस वक्त जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में विद फोटोग्राफ्स ऑफ चादर ट्रैक, तो ये 5-6 पेज का संस्कार रिपोर्ट इन्होंने तैयार करके इसमें हमारा सारा जितने भी डिमांड थे वो हाईलाइट किया। स्पीडी कंस्ट्रक्शन ऑफ यमो पदुम दारचा रोड, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट स्टेटस फॉर संस्कार, एडिशनल काउंसिलर सीट फॉर संस्कार, शिंकुला टनल, सेपरेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर संस्कार, तो ये सारा उन्होंने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वोकल बन के, संस्कार वालों का वॉइस बन के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम संस्कार का नाम जो है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इन्होंने रेज किया था। और खुशी की बात तरुण जी ये बोलेंगे, जो जो डिमांड हम लोगों ने साथ में स्ट्रगल किया आपके माध्यम से, तो वो सारा इस साल पूरा हो गया। हमारा यमो पदुम दारचा रोड जो है वो रावली कनेक्ट हो गया, शिंकुला टनल जो है वो मोदी जी के शुभ हाथों से 26 जुलाई को विजय दिवस के दिन उन्होंने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग ब्लास्ट जो है उनके शुभ हाथों से हुआ, मोदी जी के हाथों से। और साथ ही साथ में तो रिसेंटली लद्दाख को 5 जिला घोषित हुआ, उसमें संस्कार को भी एक जिले का दर्जा घोषित किया है। तो मैं अपने लोगों की ओर से इनको धन्यवाद देता हूँ। उस वक़्त जब हम लोगों ने ये एक बड़ा सा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था संस्कार के ओर से, हमारा उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट जो है नितिन गडकरी जी थे, तो उनके साथ हमारा फोटोग्राफ भी आया था, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम में सारा हाईलाइट हुआ था। तो ये सारा चीज़ें देख के ना तो मन करता था कि जिस दिन ज़िला घोषित हुआ मैंने आपको कॉल किया था, तो हो सके तो आप यहाँ पर शामिल हो जाइए, लेकिन साथ ही साथ में मैं पर्सनली मिल के आपसे आपको धन्यवाद देना चाहता था। और ख़ासकर अभी आने वाले दिनों में संस्कार का छोटा मोटा और भी इश्यूज़ है, छोटा मोटा नहीं, देश के हित में, जैसे हमारा यमो पदुम दारचा रोड जैसे हमने पहले बातचीत किया था, तो उसका स्टेटस बढ़ा के उसको एक अलग स्टेटस देना पड़ेगा, जैसे कि हमारा डिक्लेरेशन ऑफ यमो पदुम दारचा रोड एज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो वो सारा चीज़ें अभी उस चीज़ के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए धन्यवाद देता हूँ। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट टुंडू फुनचोक जी भी साथ में थे, हमारा सरपंच तंजिन मुर्मू एक्स का काउंसलर हैं वो भी साथ में थे, तो सारा दिल्ली में बहुत अच्छा आपने
प्रबंध किया था। हमारा उस वक्त हमारा जनरल सेक्रेटरी जे पी नड्डा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। तो इतना अच्छा आप लोगों का सहयोग मिला और संस्कार के कॉजेज के लिए सोशियो पॉलिटिकल डिमांड जो भी होगा तरुण जी ने आज तक सहयोग किया और आने वाले दिनों में भी मैं उम्मीद करूंगा इनसे, मेरा बड़ा भाई के हिसाब नाते मैं इनसे ये सारा चीज़ें उम्मीद कर सकता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। तो मैं चाहूँगा कि संस्कार के लोगों को आप चांद साहब बोले, आपने जो पार्लियामेंट में हमारा बड़ा ज़ोर शोर से पार्लियामेंट में आप संस्कार का मुद्दा उठाया, डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा, एनपीटी, सिंगुलर टनल, ये सारी चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि हमारे लोगों का चांद साहब बोले। तरुण जी जुले सर, संस्कार के लोग भारत के भक्ति देशभक्ति में सबसे आगे हैं और आपने जो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है और जो लड़ाई लड़ी है उसको सारा हिंदुस्तान उसके सामने सिर झुकाता है। आप हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है और आपने जो वहाँ पे इतनी तकलीफें सही हैं, मुश्किलें सही हैं, उसके बाद भी आपने तिरंगे झंडे को लेकर आगे बढ़ा है। जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी आपने उतनी ऊंचाई पे बर्फ के इलाके में भी आपने भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का झंडा ग्लेशियर में आप चल के गए थे, वो सब नोटेड है। मुझे बहुत खुशी है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी थे और जो हाईवे मिनिस्टर साहब भी बने हैं तो उन्होंने पदों और ये संस्कार के क्षेत्र के लिए स्पेशल उनके एजेंडा में नंबर वन था और आज जो भी सड़क बनी है उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना वहाँ पर साकार होगा। संस्कार के लोगों की कभी भी कोई समस्या होगी, चाहे मेडिकल की हो, स्कूल की हो, हायर एजुकेशन की हो, और वहाँ पर तो एक अच्छा बड़ा कॉलेज संस्कार के लोगों के लिए खुलना चाहिए ताकि उनको आगे ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़े। संस्कार को हिंदुस्तान का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डेवलप्ड बॉर्डर स्टेट जैसा बने, वहाँ पे एरिया बने, कि हमारी दिली तमन्ना है। संस्कार के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत हिम्मती हैं, बहुत बहादुर हैं और उनसे हमारा दुश्मन भी डरता है। तो इसलिए भारत माता के आप सच्चे सुपुत्र हैं, आपके लिए कभी भी कुछ होगा तो मैं आपके लिए जरूर हाजिर रहूँगा और मैं आपका बड़ा भाई नहीं, आपके छोटे भाई के नाते वहाँ पर काम करूँ। जुले जी और जय हिंद जी। जी तो उस वक्त मुझे याद है तरुण जी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हमारा एल के एडवानी जी थे, उनको आपने पार्लियामेंट में जो संस्कार का फोटोग्राफ स्लाइड शोज किया था, तकरीबन मेरे ख्याल से उस वक्त था उस दिन लगभग 200 MPs थे वहाँ पे साथ में ना, तो उन चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देना मैं चाहता था फिजिकली मिल के ना। तो आज खुशी की बात है कि आप लद्दाख आए हैं, आपसे मिल पाया, आपको धन्यवाद दे पाया और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि आप संस्कार एक बार विजिट करें तो ताकि आपको एहसास हो जाए कि आपने हकीकत में किन लोगों के लिए आपने लड़ा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।